हाँ दोस्तों, 99% हार चुका था जिम्बाब्वे, फिर हुआ चमत्कार। तो दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ सांसें रोक देने वाले इस T20 मैच का पूरा हाईलाइट हम आप लोगों को बताएंगे इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो का साथ। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला T20 मैच 6 जुलाई को खेला गया, जिसमें भारत टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था और जिम्बाब्वे के टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रण किया गया था। तो दोस्तों जिम्बाब्वे की टीम भारत जैसे मजबूत टीम के सामने एक मजबूत लक्ष्य देने के इरादे सलामी बल्लेबाज के रूप में माधवी और कायला बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे थे। तो दोस्तों दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आया था मुकेश कुमार, इसने पहले ही गेंद पर कायला को क्लीन बोल्ड करके पेवेलियन भेज दिया था। उसके बाद 5.1 ओवर में रवि बिश्नोई ने बेनेट को चलता किया था। फिर 7.2 ओवर में जिम्बाब्वे का 51 रन के स्कोर पर तीसरा विकेट गिर चुका था, जो कि रवि बिश्नोई ने माधवी को पेवेलियन भेज दिया था। फिर 15.5 ओवर में आवेश खान ने जिम्बाब्वे का चौथे विकेट के रूप में सिकंदर रजा को चलता किया था। उस समय जिम्बाब्वे का स्कोर 74 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। तो दोस्तों जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज से लेकर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया था। तो दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों पर शुरू से लास्ट तक दबाव बनाकर रखा था। जिम्बाब्वे का स्कोर 15 ओवर के बाद 90 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे। तो दोस्तों इस तरह से जिम्बाब्वे की टीम पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 115 रन बनाया था और जिम्बाब्वे ने भारत को 116 रनों का लक्ष्य दिया था। इसी लक्ष्य को पीछा करने के लिए भारत का सलामी बल्लेबाज के रूप सुमन गिल और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे थे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने 0 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिया था। उसके बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आया था ऋतुराज गायकवाड़। सुमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच एक अच्छी साझेदारी बन रही थी, तभी 3.3 ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 7 रन बनाकर पेवेलियन चल दिए थे। उस समय भारत का स्कोर 15 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आया रियान पराग। IPL में धमाल मचाने वाला रियान पराग ये भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे और सिर्फ 7 रन बनाकर पेवेलियन चल दिए थे। उसके बाद 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आया था रिंकू सिंह, ये भी क्रीज पर टिक नहीं पाया और 0 रन के स्कोर पर पेवेलियन चल गया। तो दोस्तों इस तरह से भारत के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होते जा रहा था। सुमन गिल का कोई अच्छा से साथ नहीं दे पा रहा था और 6 ओवर के बाद भारत 28 रन पर 4 विकेट गंवा चुके थे। यानी जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों पर पूरी तरह से दबाव बना कर रखा था। उसके बाद 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आया था ध्रुव जुरेल। सुमन गिल और ध्रुव जुरेल के बीच एक अच्छी खासी साझेदारी बन रही थी, तभी 9.5 ओवर में भारत का 43 रन के स्कोर पर जुरेल अपना विकेट गंवा दिए थे। फिर 10.2 ओवर में भारत का 47 रन के स्कोर पर शुभम गिल ने अपना कीमती विकेट गंवा दिया था। इस तरह से भारत 47 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवा चुके थे। शुभम गिल ने सबसे ज्यादा रन 31 रन बनाया था। जब भारत का 44 गेंदों में 55 रन की दरकार थी, तब क्रीज पर वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई बल्लेबाजी कर रहा था। इस समय जीतने की संभावना जिम्बाब्वे की टीम को ज्यादा लग रहा था और हारने की संभावना भारत की टीम को। उसके बाद रवि बिश्नोई आउट होने के बाद आवेश खान अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहा था। फिर 15.5 ओवर में भारत का 84 रन के स्कोर पर आवेश खान के रूप में भारत का 8वां विकेट गिर चुका था। तो दोस्तों जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने भारत के बल्लेबाजों पर शुरू से लेकर लास्ट तक दबाव बनाकर रखा था और किसी भी बल्लेबाज को क्रीज पर टिकने नहीं दे रहा और आखिर भारत को जीतने के लिए 6 गेंदों में 16 रन की दरकार थी और भारत का 9 विकेट गिर चुका था। स्ट्राइक में था वाशिंगटन सुंदर, इसने सिर्फ 2 ही रन बना पाया और भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ वाला T20 मैच 13 रन से हार गया। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि क्या भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज जीत पाएगा या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।